हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इग्नू की तरफ से आपके दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। यानी कि जो फरवरी में एग्जाम हुए है उसका क्वेश्चन पेपर इग्नू की तरफ से वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इग्नू की तरफ से पोर्टल पर कुछ अपडेट किया जाए और उसमें कुछ एरर ना हो। तो पोर्टल पर जो क्वेश्चन पेपर को अपडेट किया गया है इसमें कई एरर भी है। तो क्या क्या एरर है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होता है। इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी कि सभी एग्जाम सेशन का। और यहाँ पर आपको दिसंबर 2020 लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले ये नहीं था, इसको आज ही अपडेट किया गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दिसंबर 2020। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे और आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप इसको मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आपको फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप सब्जेक्ट कोड को डाल करके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यहां पर इस तरीके से आ जाएगा सब्जेक्ट कोड, जिसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर दिसंबर 2020 लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके बाद यहां पर आप फिर से सब्जेक्ट कोड डालेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो यहां पर ये इस तरीके से हाईलाइट होकर के आ जाएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है बस आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली यहां पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है यहाँ पर आप डालेंगे, इस तरीके से हाईलाइट होकर के आ जाएगा। अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे और ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर से आप सब्जेक्ट कोड को यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 2021 भी लिखा गया है, यानी कि जो दिसंबर सेशन का एग्जाम है वो फरवरी में हुआ था, तो यहाँ पर फरवरी भी लिखा हुआ है। और ये रहा आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पर भी आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं सेव करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, बस आपको सब्जेक्ट कोड डालना है। यहाँ पर आप इसको दो बार फाइंड करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएगा दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन का। तो यहाँ से आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, यानी कि दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एरर है। तो अगर आपका CBCS वाला प्रोग्राम है, यानी कि अगर आपका चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम वाला प्रोग्राम है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर आप BA के स्टूडेंट है या फिर आपका BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जैसे कि BA इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर इनमें से कोई प्रोग्राम है, तो यहाँ पर इन प्रोग्रामों का जो अभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन का वो अभी अपडेट नहीं किया गया है। यानी कि जिस चीज को अपडेट करना चाहिए था वही यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप BA साइकोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो इसको अपडेट किया गया है, यानी कि अगर आप BA साइकोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो इसका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो और भी प्रोग्राम कोड है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, तो इसको अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। क्यों अपडेट नहीं किया गया इसके बारे में तो नहीं बताया गया, पर बहुत ही जल्द इसको भी यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। अगर अभी आप यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये वाला सब्जेक्ट कोड है जो आप यहाँ पर देख रही है, अगर इसको आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया BEVAE 181, हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर मैंने डाला सब्जेक्ट कोड, तो यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इसको अभी अपडेट नहीं किया गया है। और इसके अलावा बैचलर डिग्री के और कौन कौन से प्रोग्राम है जिसका क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि BA साइकोलॉजी का किया गया है, फिलोसफी का किया गया है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क का भी किया गया है और BSc नर्सिंग का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर अपडेट किया गया है। और मास्टर डिग्री का, जैसे कि अगर आपको MSO का डाउनलोड करना हो, MS सोशियोलॉजी का, तो उसको यहाँ पर अपडेट किया गया है,
उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एनपीएस का करना हो तो वो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप इसको सर्च मारेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया दिसंबर 2020 और यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप दिसंबर 2020 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2021 लिखा गया है। बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी नए प्रोग्राम है उसका जो क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किया गया उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर थे जो आपने ही सेंड किया है वो मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड किया है। तो टेलीग्राम पर आप आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए टेक गाइड नवीन और आपको चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड डालेंगे और यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये अवेलेबल है तो यहाँ पर ये आ गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप कुछ दिन वेट कीजिए, इसको 1 से 2 दिन में भी अपडेट किया जा सकता है या फिर कुछ और ज्यादा समय भी लग सकता है, पर यहाँ पर इसको बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, यानी कि आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपडेट कर दिया गया है। तो इससे आप जब एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको वेबसाइट में एरर भी इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि आपके दिसंबर 2020 ट्रम एग्जामिनेशन का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो अपडेट कर दिया गया है, और बाकी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम है जिसका क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं किया गया है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। इसको भी बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।